दोस्तों खबर क्रिकेट से है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि T20 वर्ल्ड कप का समापन हो गया है। 45 मैच तक चली जंग में ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा विजेता बनकर निकला है। पहली बार ऑस्ट्रेलिया के हाथ में T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी आई है। वहीं पूरे टूर्नामेंट में कई खिलाड़ियों का शानदार खेल देखने को मिला। अब ICC ने T20 वर्ल्ड कप की बेस्ट प्लेइंग 11 चुनी है, जिसमें पाकिस्तान के बाबर आजम को कप्तान बनाया गया है। प्लेइंग 11 के अलावा एक 12वां खिलाड़ी भी चुना गया है। खास बात यह है कि इसमें एक भी भारतीय खिलाड़ी शामिल नहीं है। दोस्तों ICC के मोस्ट वैल्यूएबल टीम में कौन कौन से खिलाड़ी हैं? आइए जानते हैं। ICC ने अपने बेस्ट टीम में सबसे नंबर एक पे डेविड वार्नर को रखा है। उसके बाद जॉस बटलर, जो कि इंग्लैंड के हैं, उन्हें एक बैट्समैन और विकेट कीपर के रूप में दूसरा स्थान दिया गया है। वहीं तीसरे स्थान पर बाबर आजम हैं, जो कि पाकिस्तान से हैं और उन्हें इस टीम के लिए कप्तान नियुक्त किया गया है। वहीं अगला नंबर आता है श्रीलंका के चरित असलंका का। उसके बाद पांचवें नंबर पर साउथ अफ्रीका के एडन मार्करम हैं, जबकि इंग्लैंड के मोइन अली छठे नंबर पर हैं। वहीं श्रीलंका के वी हंसा रंगा सातवें पायदान पर मौजूद है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के एडम जाम्पा आठवें नंबर पर। वहीं ऑस्ट्रेलिया के ही जोस हेजलवुड नौवें स्थान पर मौजूद हैं। वहीं न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट दसवें, जबकि साउथ अफ्रीका के एंड्रिक नॉर्किया 11वें स्थान पर मौजूद है। वहीं 12वें खिलाड़ी के रूप में पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी को रखा गया है। आपको बता दें कि ICC के एक सिलेक्शन पैनल ने ICC की इस टीम को चुना है। इसमें इयान बिशप, ए जर्मेनोस, शेन वॉटसन, एल बूथ, शाहिद हाशमी समेत अन एक्सपर्ट मौजूद थे। आपका इस खबर पे क्या कहना है, कमेंट जरूर करें।